तो दोस्तों अभी फाइनली लॉन्च हो चुका है हीरो करिश्मा एक्सिमा 210 वाला मॉडल, जिसका भी एक शोरूम प्राइस जो रखा गया है ना तो वो है 1.73 लाख। और इसके अलावा इस वाले मॉडल के अंदर बहुत सारे कुछ फीचर्स के ही साथ में इस वाले मॉडल के अंदर तीनों न्यू कलर्स ऑप्शन दिखे गए हैं, जिसके अंदर एक तो है रेड और एक है येलो और एक है ब्लैक। बाकी भाई वीडियो को पूरा देखते रहना क्योंकि आज की इसी वीडियो में इसी न्यू मॉडल के ही बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता दूं कि बजाज पल्सर RS 200 वाला जो मॉडल है ना तो उस वाले मॉडल को ये वाला मॉडल इजीली बीट कर सकता है, और KTM वाला मॉडल है ना तो उसको भी। बाकी वीडियो के अंदर सारा कुछ बात करने वाले हैं आगे। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। फाइनली अभी लॉन्च हो चुका है हीरो करिश्मा एक्सिमा 210 वाला मॉडल, और ये जो मॉडल है ना तो ये भी 1.73 लाख एक शोरूम प्राइस के साथ में लॉन्च हुआ है। वैसे तो भाई पहले इस वाले मॉडल के ही लुक्स के बारे में अगर बात करें तो देखो गाइस, सामने वाला इस वाले मॉडल का जो लुक अभी देखने को मिला है ना तो वो भाई काफी ज्यादा अमेजिंग है। बाकी तो भाई सच बताऊं तो पहले वाला जो हीरो करिश्मा है तो उससे इस वाले मॉडल के अंदर भाई जमीन आसमान का फर्क है, मतलब लुक्स में और पावर में भी और फीचर्स में भी। तो जो भी, लेकिन हाँ पहले तो ये लुक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भाई देखिए होंगे सामने से ये जो बाइक है ना तो ये काफी ज्यादा एक फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है देखने में। और इसके ही साथ भाई इस वाले बाइक के अंदर आपको शार्प डिजाइन जो है तो वही कुछ देखने को मिल रहा है। वैसे तो भाई इस वाले लुक्स के साथ में मुझे तो भाई पर्सनली जो दोनों न्यू कलर्स पसंद आया तो वो है एक रेड और एक है ब्लैक। बाकी येलो वाला कलर भी कुछ कुछ लोगों को पसंद आ ही जाएगा, लेकिन जो भी है भाई ये जो हीरो करिश्मा जो अभी लॉन्च हुआ है ना तो इस वाले मॉडल के अंदर भाई अगर सामने से बात करूं तो भाई ये लुक्स में काफी ज्यादा अमेजिंग तो है ही, और उसके ही साथ अगर साइड से देखो तो ये लुक्स में साइड से भी देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो लुक्स है ना तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये जो शार्क वाला जो डिजाइन है ना, मतलब हाँ वो पानी वाला ही जो शार्क का डिजाइन है तो उससे ही कुछ मिलता जुलता जो लुक्स है तो वही कुछ दिए गए हैं, या फिर शार्क से ही इंस्पायर्ड होकर लुक्स जो है तो वो इस वाले बाइक में दिए गए हैं। बाकी तो भाई इस वाले बाइक के अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो देखो गाइस, इस वाले बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स के ही साथ साथ असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाला जो ऑप्शन है तो वही कुछ देखने को मिलता है। और इसके अलावा तो भाई इस वाले मॉडल के अंदर आपको एक न्यू पूरे ही तरीके से कलरफुल एक डिस्प्ले देखने को मिलता है मिडल कंसोल में, जो कि LCD वाला है। और ये जो मिडल कंसोल के अंदर आपको जो फीचर्स देखने को मिलता है ना तो उसके अंदर आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर से लेके और इसके अलावा टर्न बाय टर्न नेविगेशन और इसके अलावा जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और इसके अलावा फोन कॉल अलर्ट SMS अलर्ट ये सारा जो चीजें है तो वो कुछ दिया गया है भाई। और इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि इस वाले मॉडल के अंदर आपको लाइट्स का जो सेटअप है ना वो LED के ही अंदर है सारा का सारा। बाकी तो है यही कुछ सीन है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको ये जो LED का ये जो DRL है ना तो ये भाई मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। बाकी आपको भी पसंद आया कि नहीं भाई ये मुझे कॉमेंट करके बोल देना। और इसके अलावा तो ये भी है कि मैं बोल रहा था ना कि इस वाले मॉडल के अंदर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है चीज जो कि भाई बजाज पल्सर RS 200 और KTM RC 200 को भी बीट कर सकता है, तो वो जो चीज है ना तो वो है इसका इंजिन। अब देखो दोस्तों फाइनली पावर जो है तो वो इंजन का रिवील हो चुका है, जो कि है भाई 25.15 BHP, जो कि भाई बजाज पल्सर RS 200 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और इसके ही साथ भाई KTM RC 200 के अंदर भी लगभग देखने को ये नहीं मिलता है। और इसके अलावा तो ये भी है कि ये जो इंजन है ना हीरो करिश्मा का ये न्यू वाला, तो ये भी एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल वाला तो नहीं भाई, अभी के डेट में एक लिक्विड कूल वाला ही इंजन दिया गया है जो कि DOHC 4 वाल्व वाला ही है। और ये वाला इंजन के अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क भी देखने को मिलता है ना तो वो 20 Nm का जो है तो वही कुछ दिया गया है। बाकी तो ये भी है कि ब्रेकिंग सिस्टम में भी इस पर बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS नहीं भाई 12 चैनल ABS ही देखने को मिलता है ये डिस्क ब्रेक के साथ में। और इसके ही साथ ये भी है कि इस पर बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको देखने को मिलता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। बाकी तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता दो कि इस वाले बाइक के साथ अगर मैं बजाज पल्सर RS 200 का अगर कंपैरिजन करूं तो वो वाला वीडियो क्या आप लोग कल देखना पसंद करोगे या फिर नहीं। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।